ओके सर, सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिच फैशन यूएसए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके मैम, सीजन टू का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, हर शो के नए सीक्वल आ रहे हैं, नया शो आ रहा है, पार्ट टू आ रहा है। सो आपके किसी ऐसे फेवरेट शो का जिसका पार्ट टू आना चाहिए? पार्ट टू सीजन लाइक इश्क का रंग सफेद में आपके किरदार को बहुत ज्यादा सराहा गया था, तो आपका लगता है ऐसा शो? हाँ, अगर वो हाँ, उस शो की कहानी भी बहुत अच्छी थी, मुद्दा बहुत अच्छा था। अगर कलर्स एक बार फिर इश्क का रंग सफ़ेद बनाता है तो मुझे वाकई बहुत खुशी होगी। और ज़रूरत है इस वक्त में कि मुद्दे वाले शोज आएँ। जैसे हमारा ही शो ये मुद्दे वाला था कि एक नचनिया को आप कैसे घर की बहू बनाएंगे। वहाँ भी इश्क का रंग सफ़ेद में भी यही था कि एक विधवा का कैसे पुनर्विवाह होगा। तो कलर्स इस मामले में बहुत आगे है, मुझे लगता है कि वो मुद्दों को उठाते हैं। तो अगर बने तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी वाकई में। ओके, लास्टली मैम, एनी मैसेज फॉर फैंस? हाँ, मेरे सभी दर्शकों को बहुत प्यार, बहुत शुक्रिया। आप लोग जिस तरह से वक्त निकाल के एडिट्स बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं और हमें मैसेजेस करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि सबका रिप्लाई करूँ। कभी कभी होता है कि नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी तहे दिल से आप सबका शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे शो को प्यार देते हैं। तो आप सबको बहुत प्यार, और उम्मीद करूँगी कि आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच मैम, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।